अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। चल रहा हूँ नोटा की बात करना ही लोकतंत्र के विरोधी बात करना। मेरे साथ फिलहाल प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। और सर, आज आपके क्षेत्र में वोटिंग है और आपने भी अपील की है, किस तरह से देखते हैं उज्जैन के लिए चुनाव कितना जरूरी? सभी के लिए चुनाव जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती, आज़ादी के बाद लगभग लंबे समय तक गुलामी के दौर से हम निकल के आए थे आज़ादी के बाद, तो इस लोकतंत्र के खूबसूरत पल में सब वोट डाले, मतदान करें, ये हम सबकी भाव है। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आज जिस ढंग से वोटिंग हो रही है, ये समाधानकारी भी है और हमारे लिए उत्साहजनक भी है। ये जो सर पूरा क्षेत्र है मालवा निमाड़ का, आपने लगातार यहाँ पर प्रचार किया है, किस तरह से देखते हैं, क्या जनता इस बार उत्साहित होकर वोटिंग परसेंटेज बढ़वा देगी? जनता का उत्साह उफान की सीमाओं के पार जा रहा है और मोदी की सरकार बनाने के लिए हर कोई ने कमर कस ली है। चारों तरफ से जो संदेश आ रहा है वो मोदीमय वातावरण के आ रहे हैं। सर एक सवाल बस ये भी कि कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है, कैंडिडेट नहीं है? कांग्रेस नकारात्मकता की सीमा के बाहर चली गई है, निराशा के दौर से गुजर रही है, इसलिए नोटा की बात कर रही है। सर बस एक आखिरी सवाल, कल आपने नाना पटोले को लेकर भी एक बयान दिया था आदिवासियों को लेकर, कैसे देखते हैं क्योंकि इस बार आदिवासी अंचलों में चुनाव? नहीं, क्यों, भगवान राम का मंदिर कांग्रेस और उनके मित्रों को पसंद नहीं आता, जब भी आता तब वो उल्टी बात करते, कभी भगवान राम के मंदिर को अपवित्र बताते हैं, कभी भगवान राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाते हैं, कभी भगवान राम के राम सेतु को तोड़ने के लिए सरकार से निर्णय कराते हैं। क्यों राम जी के विरोधी है तो कांग्रेस वाले बताएंगे, वो जनता इसका हिसाब चुकता करेगी। बस एक छोटी सी अपील सर, जो मतदान आज कर रहे हैं जनता के लिए, छोटी सी अपील। सब कुछ मोदी जी के साथ चले, मैं समझ सकता हूँ पूरा देश प्रदेश मोदीमय हुआ है और वर्तमान के दौर में मोदी जी के काम की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता है कि वो सारी सीमा तोड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, जिन्होंने कहा है और दावा किया है कि यहाँ पर जो है वो जो लोग हैं वो लगातार मतदान करने के लिए जरूर निकले, और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर हमसे बातचीत की है। उज्जैन से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो मोहन यादव जो कि कह रहे थे कि निराशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, पूरा माहौल मोदी में है। अजय जी, सीधा सवाल आपसे, मोहन यादव जिस तरीके से कह रहे थे उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल, क्या लगता है 2019 वाला प्रदर्शन जो वो सीट थी बीजेपी, वो दोबारा से दोहरा पाएगी और कांग्रेस की कुछ सीटों में इजाफा लगता है कि होगा इस बार? देखिए, अभी तक का जो चुनाव हुआ है, तीन चरणों में जिस तरह का मतदान हुआ और अब इस चरण में अभी कितना मतदान होता है, अभी आंकड़े शाम तक आ जाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि औसतन 5% मतदान इस बार कम हुआ अभी तक तीन चरणों के अंदर। जो उत्साह पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी को लेकर के दिखाई, बीजेपी को वोट करने को लेकर दिखाई पड़ा था, वो शायद उस तुलना में इस बार कम है। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे हम केवल ये साबित नहीं कर सकते हैं कि ये बीजेपी के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है, लेकिन ये बात जरूर है कि मतदाता का उत्साह पिछली बार की तुलना में कम है। हालांकि तीसरे चरण में कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन अगर अभी भी सीटवार अगर हम जो जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें सीटवार अगर हम तुलना करें तो मोटे तौर पर 2% से लेकर के 12% तक मतदान अलग अलग सीटों पर किन्हीं अलग अलग कारणों से कम हुआ है। तो ये बीजेपी के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। क्यों? उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं सिवा छिंदवाड़ा सीट के, और अगर कम होती है तो बीजेपी की सीट होंगी। अभी 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं और इस चरण के अंदर भी जो 8 सीटें हैं ये बीजेपी के पास हैं। अगर इसमें से भी अगर कोई कम होती है तो बीजेपी की कम होगी, ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे चरण में कुछ स्थिति बेहतर हुई है और हो सकता है कि राजनीतिक दलों के प्रयास कहें या चुनाव आयोग के प्रयास कहें तो कुछ इजाफा हुआ है वोटों के प्रतिशत में, मतदान के प्रतिशत में। तो चौथे चरण में क्या आता है तो हो सकता है ओवरऑल जो वोटिंग है, वोटिंग एवरेज वोटिंग वो सुधर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी जीतती भी है तो भी ये जीत उस तरह की नहीं होगी जैसे पिछली बार 2019 के अंदर हुई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एंटेनकेमेंसी काम कर रही है और मतदाता उदासीन है, ये बात बिल्कुल सही है। उतना उत्साह उसमें नहीं दिख रहा जैसा पिछली बार चुनाव में दिखा था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो निकाला जा सकता है कि ये सारा विपक्ष की तरफ झुक गया है, तराजू जो है पलटा। इसलिए हमें इस जो नतीजों को, इस आंकड़ों को बहुत सावधानी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा विधानसभा चुनाव के अंदर 2% मतदान बढ़ गया था तो उसका अर्थ ये निकाला जाने लगा तो शायद विपक्ष को फायदा हुआ, लेकिन नतीजा उल्टा आया। तो केवल मतदान के प्रतिशत घटने बढ़ने से हम कोई पूर्वानुमान लगा लें कि ये इसके पक्ष में जा रहा है उसके पक्ष में, मेरे ख्याल जल्दबाजी होगी। हमें आंकड़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद नतीजे जो आएंगे उसी हिसाब फैसला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है नतीजे तो अनिल जी तभी पता चलेंगे। जो फिलहाल
जिस तरीके का माहौल है उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से जो लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है उसी को लेकर ये सवाल आपसे था।